तारीख है 25 जून 2022, समय हो गया है 05:32 AM। चाय पीजिए। श्योर। अच्छा सर, मिक्सिंग नहीं है। यस, मदर डेरी टोंड। भारत को कम करके आंकने वाले एक बात भूल जाते हैं कि ये वो भूमि है जहां चाणक्य जैसे विद्वानों का जन्म हुआ, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, राजनीति शास्त्र और कुछ ऐसे थंब रूल बताए जिसको कि व्यक्ति अपने जीवन शैली अनुरूप अगर अपनाए तो मार नहीं पाता। कितने ऐसे राजा महाराज हुए, मतलब इतने कितने ही राजा महाराजा हुए, कितने, मतलब अगर वर्णन किया जाए तो मेरे ख्याल से उनमें से हम हार्डली 50 राजा महाराजाओं के नाम लेते तो बड़ी बात होती है। और पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली पदवी जिसे कहते हैं वो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य को प्राप्त, सर्वप्रथम दिव्य युगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इधर बात कर रहा हूं। पंद्रह सौ वर्ष पहले और उससे पहले अगर जाएं तो 4,500 वर्ष पहले बताया जाता है, पर अगर इतिहास खंगाले तो इजिप्ट के पिरामिड है, उससे थोड़ा और आगे जाता है। बाइबल की उत्पत्ति को पढ़ने के बाद जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जब एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से परमेश्वर यहोवा ने निकाल दिया और उन्होंने जो है अपना परिवार और समाज शुरू किया, तो एक समय ऐसा आया कि वहां अकाल पड़ गया और इतना भयंकर अकाल कि वो शरण लेने के लिए इजिप्ट के राजा महाराजाओं के वहां गए। ये बात बाइबल में वर्णित है। फिर मैं नहीं जानता कि किस आधार पे जीसस को मानने वाले लोग एडम और ईव से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनके धर्म अनुसार या उनके धर्म की शुरुआत या उनकी मान्यताओं की शुरुआत वहां से हो सकती है, ये मान सकते हैं। ऐसा जो है क्या कहते हैं, कितनी बार बहस में पूछा भी गया, बोलते हैं बाइबल में उत्पत्ति बताई गई है कि 7 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि रची, मान ली बात, तो वो इजिप्ट का राजा कहाँ से आए? और शुरुआत में सिर्फ एडम और ईव को बताया गया। तो ये जरूर है कि वो उत्पत्ति सिर्फ आपके
द्वारा माने जाने वाले मतों में, पर उसके अंदर भी जो है अब्राहम के से लिंक जो है काबा का आता है, बिल्कुल आता है। बाइबल के अनुसार संसार में प्रलय भी बताई गई, समय बीतता जाता है, समय चलता जाता है। भारत हमारे देश का नाम है। देश क्या होता है? एक भौगोलिक क्षेत्र। इस भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार समय अनुसार घटता बढ़ता रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। परंतु जब जब शक्तिशाली राजा महाराजाओं का साम्राज्य आया, तब तब युद्ध भी हुए और उसी अनुरूप जो है भारत के सीमा क्षेत्र का विस्तार हुआ। पहले ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, फेंसिंग वाला जो होता है ना, समझ में आई? पोस्ट बनाई जाती थी, वो दूर 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 गांव होते थे, वहां बैठ करके लोग आगे चौकसी करते थे। पर किसकी चौकसी करते थे? किसके देखभाल? अपने सम्राट, अपने साम्राज्य, अपने वन्य क्षेत्र, उनके द्वारा उगाए जाने वाले अन्न की, धन की। क्योंकि असल जो हिफाजत है ना, वो खेतों की करते हैं। लोहा सोना चांदी कोई खाता नहीं है। उपजाऊ भूमि की तलाश में अनेकों अनेक हमलावर भारत आए, पर वो उपजाऊ भूमि तक ना पहुंच पाए। चीन में भी जाएंगे तो उपजाऊ भूमि जो है ज्यादा नहीं है। अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी आप देखोगे ना, तो खेती के अनुसार भारत के बराबर ही नहीं है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खेती के द्वारा मनुष्य के लिए भोजन का उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में नंबर वन माना जाता है। और जानते हो ये लोग कौन है? इन्हें कुर्मी कहा जाता है। कुर्मी का अर्थ होता है किसान। भारत के अंदर अंदाजन बताया जाता है कि 40 से ज्यादा किस्म के चावल उगाए जाते हैं, राइस। 15 से ज्यादा प्रकार की गेहूं की किस्में हैं। 20 से ज्यादा प्रकार की सब्जियां, और मतलब ये रोजमर्रा की है। 8 से लेकर के 10 तरह की दालें। मसालों के मामले में विश्व विख्यात भारत। फलों की 25 से ज्यादा प्रजातियां। ये कुछ इस प्रकार से है कि इसके ऊपर कब्जा करने के लिए, मानो या ना मानो, यहां से बहुत आक्रांता जो होते हैं हमलावर भारत आए, ले गए तख्त ताउस लेकर के गए होंगे, और भी कुछ उठा कर ले गए। तो कुछ हुआ नहीं सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में, तो भोजन कहाँ से लाएंगे? मजबूरन नॉन वेजिटेरियन मांसाहार।
पर एक टाइम तो मांसाहार में बंदे का मन ऊब भी जाता है, कितनी हत्याएं करेगा। ऊपर से फिर मवेशी कहां से पालेगा, मवेशी पालक उसको खिलाएगा क्या, पिलाएगा पानी कैसे, कपड़े ढकने के लिए कपास का उत्पादन विश्व में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। तीसरे नंबर का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब अन्य देशों में सिंथेटिक का उत्पादन जाने हो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर कॉटन भारत। महात्मा गांधी ने आकर के कुछ नया नहीं बताया कि मतलब कि चरखे से सूत बनाया तो जाकर के हमने कपड़ा पहनना सीखा, ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी। अब ये मैं सोचे कि 1947 में जो है मोहनदास करमचंद गांधी आया और उसने जो है सूत काटना सिखाया तो आप कपड़ा पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है। असल में एक बहस हुई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के दिग्गज बिजनेसमैन बैठे तो महात्मा गांधी ने क्या करा, कहा कि भाई स्वदेशी आंदोलन शुरू करते हैं, सब अपने विदेशी कपड़े जलाओ। वो मशीनों में बनते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अच्छा खासा बड़ा काम था। आपने नाम सुना इस कंपनी का क्या है? मैं नहीं कहता हूं, इतिहास में लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत। कौन सी कंपनी? ये जो इतिहासकार बहस करते हैं ना बैठ करके, अब सुनो मैं क्या समझा रहा हूं। कौन सी कंपनी आई भारत बंगाल के रास्ते? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट भारत में कौन है थोड़ा सा ना, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये थोड़ा समझने मेरे को दिक्कत। ईस्ट मतलब पूरब, पूर्वी भारत कंपनी, पूर्व भारत कंपनी, भारत पूर्वी कंपनी कुछ भी हो सकता, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक मिनट, मैं अभी ब्रिटेन के लोग भी सुने मैं जो कहना चाह रहा हूँ। दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, यस, बात कीजिए मुझसे। भारत कौन सी कंपनी आई कैलकटा में? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थे वो लोग? अंग्रेज थे भैया, इंडिया है कहां पे? नाउ इफ एलिजाबेथ, वेरी रिस्पेक्टिवली द क्वीन एलिजाबेथ इज सेइंग द ईस्ट इंडिया कंपनी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, नो आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ भारतीय जनता पार्टी, गेट आउट। ये इन ज्यूइशों से कोई मतलब, मैं समझाऊंगा ना आपको भैया, कागज पेन उठाओ लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक तुम्हारे सामने बैठा है यार, ना भारत हमारी कंपनी है यार, कौन अंग्रेज, मेरे तो समझ ही नहीं आता आप लोग कौन हो यार। एवरी टाइम द एम्पायर ऑफ ब्रिटेन एंड दोस ऑल फ्रॉम द लंडन दे से द ईस्ट इंडिया कंपनी इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी, आई एक्सेप्ट, यू सेड सो, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज ओनर इज हू? If the company is of East India, then definitely the owner is from East India. Come on. Britain Empire was holding only one company at that time, and the name was East India Company.
Now, if any foreigner or अंग्रेज, I don't know from where this अंग्रेज word comes. I don't know. Because I didn't investigate the word. Okay. If we said अंग्रेज, if we say अंग्रेज means they are they can speak English. Their clothing is something different. East India Company is a battalion of Indian Army. Always rolls and keep patrolling in entire world. And love to create maximum biggest companies. This is my investigation. Now I would like to ask to every panelist and each and every person is a farmer who loves to celebrate India independence. From whom? East India Company. And what is the act was? India Independence Act, okay. And who wrote it? East India Company. And who was the emperor? May I ask you, all those freedom fighters, who fight to bring India independence for Indians from East India Company. What do you call Swadeshi Andolan in Hindi? A Jewish Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, his real name was something else. वो ये कहता है कि आप स्वदेशी आंदोलन अपनाओ. और विदेशी कपड़ों के जो है होली जलाओ. किसका बहिष्कार करोगे? ईस्ट इंडिया कंपनी का. क्यों सर? व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी? ईस्ट इंडिया. अच्छा, तो महात्मा गांधी ने क्या करा? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बैठे हुए थे. मैंने पहले कहा मैं मरता नहीं हूं, सब पता है. महात्मा गांधी से पूछा जी क्या बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी बैठे हुए थे, क्या किया आपने? लोगों को बुला लिया, इकट्ठा करा, ठीक है. अरे भाई वो किसान है, वो छोटी सी धोती पहन करके खेतों में वैसे ही काम करता है. वो उसके हालात को देख के ये मत कह वो गरीब है. उस महिला को सर पे टोकरी उठा करके अगर वो उपले लेके जा रही है तो उसको गरीब मत बोल, वो किसान है. तुझे नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? खेतों में हल चलाने वाला वो मजबूर नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो पसीने से तरबतर है. धूप इतनी तेज है उसमें जो वो खेती कर रहा है, इसलिए शरीर पर सनबर्न है. तू उसे गरीब मत बोल, तू उसे मजबूर मत बोल. तालाबों में मछली पकड़ने वाला मछुआरा तुझे मजबूर दिखता है? मतलब तन पे एक औरत खेतों में काम करने के बाद उसने ब्लाउज नहीं पहना, साड़ी पहन के एक ऐसे लपेट रखे, तुझे वो आधे कपड़ों में दिख रही है? ये था महात्मा का. तो
उसने क्या करा, स्वदेशी आंदोलन पता नहीं क्या बोलबाल करके कपड़ों की होली जलवा दी। तो बुलाया गया उसे, इधर ही हो भाई बैठा है उसे। क्या किया आपने, इतने सारे कपड़े जो जलवा दिए आपने, ये क्या फ्री के आते हैं? कह रहे हम अपने देश में बनाएंगे। अच्छा कैसे? हम खुद सूत काटेंगे। तो उसके उस दिन पड़े चार झापड़ तबीयत से, और उसके कपड़े उतार दिए सारे, और एक कपड़ा पकड़ा दिया उसे, कह रहा आज के, और कहा आज के बाद तू कपड़े उस दिन पहनेगा जिस दिन तू अपने पहनने लायक कपड़े का सूत पूरा कर लेगा, और बाकी कांग्रेसी तुम भी सुन लो। तुम कांग्रेसी हो, तब जो है वो, और कहा तेरे पॉलिटिकल सिंबल तू यही है यही, और तू पूरा दिन बैठ के सूत काटेगा, अपने कपड़े का सूत तो खुद बना दियो। पिछले 75 वर्षों से भारत की जनता को मीडिया से लेकर सब बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। मैंने कहा मैं एक सवाल पूछूंगा हमेशा, मैं भारत में पढ़े लिखे सारे पैनलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट में पढ़ने लिखने वाले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईटीआई, सबसे एक ही सवाल पूछूंगा, एक ही सवाल बस, यार ये ईस्ट इंडिया कंपनी विदेश की कैसे हो गई? आपने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, अच्छा ब्रिटेन वालों ने क्या कहते हैं इसको, ब्रिटेन, हाँ ईस्ट ब्रिटेन कंपनी क्यों नहीं कहा? अच्छा महारानी एलिजाबेथ की टीम जो है, ये तो एलिजाबेथ थर्ड है मेरे ख्याल, फोर्थ है मेरे ख्याल से, ये उस समय एलिजाबेथ थर्ड थी ना वो। अच्छा ब्रिटेन के पास इतनी अकल नहीं थी कि भारत में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भेजे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की कंपनी कौन सी थी? भाई वो पढ़े लिखे इंजीनियर थे, वो इसी तरह रहेंगे यार सूट बूट में। वो मेरे को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है जब मैं कभी कुमारपुर चला जाता था ना पहले, और अब भी, या मैं बिहार चला जाता था, मेरे साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट होता था। आज तक ब्रिटेन ये साबित नहीं कर पाया कि उस दौरान उसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई कंपनी थी, थी तो साबित कर भाई। अब समझ गए इंडिया कहां तक था। अरे तो भाई उनकी अपनी कंपनी बता देना मुझे कोई, ब्रिटेन की। कंपनी तो तुम्हारे नाम से थी ईस्ट इंडिया कंपनी भाई। भारत में वो विरोध होगा, मान ली तेरी बात, तो जापान का हो जाएगा, लंदन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ईस्ट इंडिया का विरोध खुद ब्रिटेन इस बात को साबित नहीं कर पाया है। यहां भारत के अंदर अल हिंद संगठन तो तुम्हें भारत का दिख रहा है, हरकत उल अंसार
के सपोर्टर हैं, पर ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करके स्वाधीनता का नाम लेने वाला व्यक्ति तू ही बना लेना मशीन। मैं गांधी परिवार से ये पूछना चाहता हूं, ये कागज के नोट के गांधी महात्मा गांधी ने सिखाया था बनाने, ये स्वाधीनता आंदोलन चला रहे थे यार, पर क्यों जो इस था ना वो काम बिगाड़ने की आदत थी। कह रहे जी अंग्रेजों से आजादी मिल गई और जा रहा है ये बैठ करके ये कांग्रेसी और ये क्या नाम है इसका, इटली की तो बीबी उठा कर लाया ये कांग्रेसी, तब नहीं दिखा तुम्हारे को अंग्रेजों से, आज तक क्या उसी बात पे अड़े हुए हो? ये कहाँ जा रहा था ये बुलेट ट्रेन लेने, अब किस बात की G20 है भाई? हाँ भाई कहाँ गया स्वदेशी जागरण मंच RSS का, क्यों G20, क्यों क्वाड समिट, आ गए वहीं के वहीं ढाक के तीन बात। अरे भाई वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं की थी, यहां से बाहर गई पेट्रोलिंग के लिए फिर आई, राजधानी कैलकटा थी उससे, नियर टू माउंटेन्स। बाद में दिल्ली लेके आए, कैपिटल समझे, ये लोग महात्मा गांधी की जो ऐसी तैसी करी और जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल पूछा गया, मोतीलाल नेहरू साहब बताते हैं कि बहुत पैसे वाले थे, नोट कैसे छपता था उस समय, खादी के नोट निकालोगे, खादी ग्राम उद्योग वालों, क्यों आज गुजरात से पटेल, सरदार पटेल जो जिन्होंने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और भारत को अंग्रेजों के जुल्म से मुक्ति दिलाई, वो सारे पटेल अमेरिका बस गए जाके सुने, क्यों वजह? IAS चार हो गए ना, मोहन दास करम चंद गांधी पांच हो गए, तो ये क्या हो गया फिर, IAS IL लेवनेंट,
1947 से लेके अब तक भारत के साथ इन राजनेताओं ने ज्यादा कुछ किया नहीं है। वो फोटो खिंचवाते रहे, खुद भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी पता नहीं कैसी अजीब सी खिचड़ी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आखिरी में मुसलमान रहा मिलेंगे, ये तो बहुत तगड़े वाला, ये सेकुलर है। अच्छा खैर, इनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, दूसरों के बच्चों को मारने की इच्छा रखने वाला, अपनी आंख से जो है अपने बच्चों को मरता हुआ देखा, इसे बहुत दुखी बात, बहुत दुखी। हम कहेंगे कि ईश्वर आपको जो है सहन शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, और मजदा को बुला लेना, वो जिंदा कर देगा, बिल्कुल कर देगा। कहाँ वैसे मतलब लेना एक नहीं देना दो नहीं, कहता बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ आपनो और जग में हो दसाए। मैं आपको एक बार बताता हूँ, आज भारत के अंदर 1947 से लेकर के आजादी के समय के, मतलब कहानी यही है तो उसी संदर्भ में ही बात होगी। मैंने कहा छोड़ो ज्यादा छेड़छाड़, ठीक है, मैंने इसी इनके ट्रैक पे बात कर लेते हैं इनसे, क्या सुनो। अरे यार, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही तो पैसा है जो ब्रिटेन है, सुनो ध्यान से, छोड़ो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मामले को, जो है बैठ करके तुम्हारे लिए होमवर्क है करो। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान जो बनाया गया 1947 में 17 जून को, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और 18 जुलाई को इसे शाही स्वरूप की स्वीकृति मिली, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मतलब 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ब्रिटिश डोमिनियन के एक भाग को काट कर नवगठित राज्य पाकिस्तान का उदय हुआ एक दिन पहले। एक्ट के अनुसार पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी बंगाल, असम का सिलट जिला, पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध का भाग आया, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा। शेष भूभाग के साथ भारत रहा। एक बात को लेकर के पाकिस्तान जो है शुरू से ही बड़ा चिल्लाता रहा है, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में आपको बताया, मैं इसमें ही बताता हूँ। ये वीडियोस जो है ना, ये इंटरनेशनल वीडियोस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो हमारे अटॉर्नी जनरल्स हैं भारत की तरफ से, और जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे संविधान पीठ है, वो इसी बेसिस पे जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैंने परमिशन ले रखी है, मैंने फॉरवर्ड करी है ना सर। इस अधिनियम से ब्रिटिश भारत की रियासतें अंग्रेजी राज्य की प्रभु सत्ता से तो मुक्त हो गई, परंतु उन्हें राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला। मतलब ब्रिटिश भारत, भारत तब भी था याद रखना,
ब्रिटिश भारत, ठीक है, देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, अगर आप लोगों की, चाहे आप मैनेजर हो किसी के, पीएसए हो, एसपीजी हो, गार्ड हो, कुछ भी हो, यदि आपके पास अथॉरिटी नहीं है बहस करने की, तो मेरे से बहस मत करना, वरना मेरी टीम के लोग जा करके आपके राजा महाराजाओं को पीट देंगे। और अगर ब्रिटेन की तरफ से किसी ने भी उल जुलूल बकवास करी, तो प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी, या तो आप अपने लोगों को चुप करा लो, वरना वहीं बकिंगम पैलेस से बाहर निकाल के मारूंगा, और ये महारानी एलिजाबेथ भी पिटेगी। ये भी जानते नहीं है मेरे को, मैं हूं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, समझ में आ गई? प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी और क्वीन एलिजाबेथ चप्पलों से पिटेगी ब्रिटेन के महल के बाहर, बकिंगम पैलेस के, पहले बोल दे रहा हूं, पक्का मारूंगा, समझ में आई? ऐसा आदमी हूं मैं। या तो क्वीन एलिजाबेथ, आप सुन लीजिए, सौदे की बात हुई है, पैसा आपको जो है दिखा दिया गया है, ठीक है ना, और आप भी सुन लीजिए, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी कोई बदतमीजी नहीं, मैं तुम्हारे से ज्यादा पैसे वाला आदमी हूं और तुम्हारे से ज्यादा बड़ी औकात है मेरी। जितना तू अपनी जिंदगी में पैसा खर्च कर चुका होगा ना, उतने की एक टी शर्ट पहनता हूं मैं, याद रख लियो, पहले बोल दे रहा हूं तुझे, दोबारा समझाऊंगा नहीं, आखिरी चेतावनी है क्वीन एलिजाबेथ के लिए, और वीडियो बनाऊंगा। ब्रिटेन, मैं क्वीन एलिजाबेथ बार बार कह रहा हूं, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, और तुम जानते नहीं हो भी मेरी टीम को, समझ में आई? बाहर निकाल के मारेंगे चप्पल ही चप्पल से तुझे क्वीन एलिजाबेथ, या तो चुप करा ले अपनी इन डब्बियों को, पहले बोल रहा हूं, और नहीं तो अपनी औकात बता, दोबारा नहीं सुनूंगा, बस पहले बोल रहा हूं। और अब अगर जो बात तुमने सुनी वो तुमने इसलिए सुनी क्योंकि तुम ब्रिटेन के रहने वाले नागरिक, तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरे आगे, समझ में आई? मैं नेगोशिएशन नहीं करता, अगर कुछ खरीदने पे आ जाओ, ब्रिटेन की ताज की कीमत बोल, लिख, चल। अब सुनिए, हाँ, ब्रिटेन की ताज की कीमत पूछ लो वे, पूछ क्वीन एलिजाबेथ से, क्या कीमत है तेरे ताज की? ये फालतू बातें नहीं चलती यहाँ पे, का दर्जा नहीं मिला, और उन्हें यह सुझाव दिया गया कि भारत या पाकिस्तान में जुड़ने में ही उनका हित है, इस अधिनियम के लागू होते ही रियासतों की सुरक्षा की अंग्रेजों की जिम्मेदारी वे स्वयं समाप्त हो गई। मतलब उनके एक्ट के अनुसार कि अब अगर वो अपनी आर्मी हटाते हैं तो रियासतों की अपनी मर्जी होगी कि वो भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में। पर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर कुछ ऑब्जेक्शन है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, स्वयं समाप्त हो जाएगी, मतलब फिर ब्रिटेन की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई भी क्या कहते हैं फोन हैकिंग या प्रेत विद्या चलाई तूने ब्रिटेन, मैं समा कुछ कह नहीं रहा था इसको एलिजाबेथ को, तब से मैं हिंट दिया था मैंने इसे,
C-17 लैंड कराओ ब्रिटेन में, पक्का पिटेगा विलियम टू और हैरी, पक्का पिटेगा तू, पक्का लेके जाओ ब्लैक आर्मी। मैं बताता हूँ तुझे, ये ओछी हरकतें नहीं चलती यहाँ पे, समझ में आई? राजशाही है तो राजशाही से पेश आ मेरे से। अगर ये प्रेत विद्या चलाई ना, ये उल जुलूल हरकत, तो समझ आए बाटा की चप्पल ही पड़ेगी, बटा ही बटा, इससे यार औकात नहीं है तेरी। और समझा दे अपने पीएसएस को, इससे यार नहीं बात करता मैं। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में शामिल किया गया, ठीक है जी, स्वाधीनता समझते हैं, जो अपने आप में स्वयं का अधीन हो, स्वाधीन हो, स्व मतलब स्वयं का अधीन हो, मतलब आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अब बारी आती है इसमें एक ऐसे मामले की जिसमें सबसे विवादित रहा हैदराबाद और कश्मीर। जब मैं अभी शाम को जब पढ़ रहा था बैठ के, तो अचानक जो एक मामले में अश्वेदी निवेशी के लोग उछल पड़े, ठीक है, उस आर्टिकल पे भी आके बात करेंगे, समझाऊंगा अभी ओवैसी साहब, बीच में बोलने पे ना चप्पल ही चप्पल पड़ती है, बाटा की पड़ेगी बिना बिना भाव के, ठीक है ना। तो पाकिस्तान जब बना तो जिन्ना जो है वो अपने हिस्से का मुसलमानों को लेकर के निकल गया, मान ली बात है, ठीक है। अब सबसे विवादित मामला जो रहा वो कश्मीर को लेकर रहा, हैदराबाद के निजाम समझ भाई, देख तुझे यार शुरुआत कैसे करते हैं, हैदराबाद के निजाम जो कि शायद असदुद्दीन ओवैसी के पिता या दादाजी थे, हाँ ये निजाम कर रहे हैं, निजाम राजे रजवाड़े नहीं होते, ऑफिसर है, और वो भी जो है ना मुसलमानों का। अरे भैया किस बात के लिए, जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान मांगा तो निजाम मुसलमान था, हिंदू था, मुसलमान था ना, तो जाए यहां से, हमें क्या लेना देना तेरी करोड़ों की संपत्ति है या अरबों की, हमें क्या लेना देना, क्यों रहेगा, और रहने की बात कर रहा है वो तो भारत में रहने की बात कर रहा है, बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है, भारत में रहने वाला शेख अब्दुल्ला भी कश्मीर की मांग नहीं कर सकता, समझ में आ गई, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, और जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान मांगा है तो भारत में रहने वाला चाहे निजाम हो चाहे शेख अब्दुल्ला हो, किसी भी प्रकार के हक की मांग नहीं कर सकता मुसलमानों के लिए, यस। और कश्मीर का मामले में सिंस 1947 शेख अब्दुल्ला फैमिली वॉज इन्वॉल्व Raising voice against government of India, and the same is the Hyderabad Nizam's family. Yes, and so many others. अब सुनिए, एक बात तो ये हो गई, अब दूसरी बात ये आती है कि कश्मीर के मामले को लेकर के बात हो रही थी, मैंने पहले ही कहा था, मैं कहा जिस दिन भी मैं कश्मीर के मामले में ओपन टॉक पे आऊंगा ऑफिशियल स्टेटमेंट पे, तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बस इतने में ही निकाल दूंगा केस। इंडियन आर्मी वाले जानते थे, वो मुझे मॉनिटर कर रहे थे, क्या आर्गुमेंट तो है यार इसकी बड़ी तगड़ी। फिर कुछ साहब लोगों ने मिलकर जो है क्या कहते हैं मुझे प्रोटेक्शन भी दी और कहा इसे बोलने दो और लिखने दो, तो मैं उन साहब लोगों का मान सम्मान रखते हुए मैंने एक बात सोच ली थी,
मैं कहा भाई आर्गुमेंट तो होकर रहेगा, चाहे किसी भी बेस पे आ जाए। और मैंने एक ही बार कही थी कि मेरे को इतनी सी देर नहीं लगेगी इस केस को निकालने में। कश्मीर को, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। समझ में आई? इंडियन आर्मी सिंस 1947 से ही, नहीं इंडियन आर्मी तो बहुत पहले से मौजूद थी। किसने कहा? ब्रिटेन का अपना बिजनेस था यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आर्मी तो काफी पहले से रही है। क्यों? मंदिरों की अपनी आर्मी रही है, भारतीय सेना शुरू से है, बिल्कुल है। पर हम लोगों का मामला जो है ना, सीधे तौर पे कभी भी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट में नहीं रहा। इंडियन आर्मी का इतिहास देखो तो अंग्रेज तो 400 वर्ष पहले आए हैं। आपको ऐसे ऐसे लोगों मिलेंगे जो आपका 800 ईस्वी के भी हैं, मतलब अब से अगर आप 1000 वर्ष पीछे भी जाओगे तो इतिहास है इंडियन आर्मी का, बिल्कुल है। और ये आप बात को समझिए ध्यान से कि महाराजा हरि सिंह ने जब भारत के बनने की घोषणा हुई तो भाई रियासतों को टाइम मिलेगा, तब तो उससे पहले काम शुरू हुआ था या नहीं हुआ था नहीं मालूम है, डॉक्यूमेंटेड भी कम है और पब्लिक डोमेन में जो है इन्फॉर्मेशन कम भेजी गई है, जबकि पब्लिक डोमेन के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जिन्ना जब पाकिस्तान लेके अलग हुआ तो इन्होंने जो है अफगानिस्तान और सोवियत रूस के साथ मिलके महाराजा हरि सिंह के साम्राज्य पे हमला किया, विच इज वॉज अ कश्मीर, जो कि कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर वाला हिस्सा। और वहां पे एक बड़े क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा कर लिया। महाराजा हरि सिंह ने अपनी आवाम को बचाने के लिए और स्वाधीनता अधिनियम जो कि 1935 के एक्ट का ही जो है नया रूप था, जी हाँ बिल्कुल, भारत शासन अधिनियम के, भारत के ऊपर रूल कैसे किया जाए या भारत का जो शासन है वो क्या, वो जो अधिनियम 1935 का ही जो है नया रूप जो बना था वो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब जब महाराजा हरि सिंह को लगा कि अफगानिस्तान और उधर से जो है आर्मी बढ़ रही है महाराजा हरि सिंह का खजाना लूटने के लिए, तो महाराजा हरि सिंह ने जो है इंडियन आर्मी को फोन किया और इंडियन आर्मी ने उसके बाद स्वघोषित प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हाँ वो स्वघोषित था, बिल्कुल था, को इन्फॉर्म किया और कश्मीर की तरफ वो कूच कर गए इंडियन आर्मी वाले। वहां पहुंचने के बाद जो आर्मी जहां थी वहीं रुक गई, जिसकी वजह से पीओके बनी, ठीक है। उसके बाद से ही पाकिस्तान जो है लगातार कभी यूनाइटेड नेशन, कभी HRC, मतलब तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जो है कश्मीर की मांग करता रहा। खुद भारत के अंदर जो है शेख अब्दुल्ला रुक करके जासूसी के तरह, मतलब जासूसों की तरह भारत को कमजोर करने की नीयत से
कश्मीर के अंदर अलग प्रकार के कानून की मांग करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है कि जैसे कि यहां इनको कोई कुछ कहने नहीं वाला, समझने वाली बात यह है कि जब महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र बनाया तो विलय पत्र में उन्होंने कुछ बातें साफ साफ कही। विलय पत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ। विलय पत्र मतलब मर्जर, कश्मीर को जो है भारत में मर्ज करने की बात, इंडियन आर्मी को सौंपने की। 26 इसीलिए सैम मानेकशॉ जो है एक ज्यूइश जो है इंडियन आर्मी में आया और फिर से अपनी वही बेवकूफपंथी। इंडियन आर्मी में जो है ज्यूइश या मुसलमान नहीं होते, ये गलत फहमी है। 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 की बात हो रही है, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर मात्र जो है क्या कहते हैं 2.5 महीने के लगभग या 2 महीने के लगभग में, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर का विलय उसी वैधानिक विलय पत्र के आधार पर किया जिसके आधार पर शेष सभी रजवाड़ों को भारत में, मतलब शेष बाकी सभी रजवाड़ों का जो है भारत में विलय हुआ। यहाँ राजे रजवाड़े की बात हो रही है, निजाम रजवाड़ा नहीं था, ठीक है, ही वॉज जस्ट ऑफिसर और वो भी मुसलमानों का, और निजाम पोस्ट जो है ना मुसलमानों की होती है, ये याद रख लेना, हिंदुओं में नहीं होती है। हुआ था तथा भारत को उस समय के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने उस पर हस्ताक्षर किए। उस विलय पत्र पे माउंटबेटन ने भी हस्ताक्षर किए हैं और उसमें लिखा है कि मैं एदर्त द्वारा इस विलय पत्र को स्वीकार करता हूं। माउंटबेटन ने जो है महाराजा हरि सिंह के उस विलय पत्र को स्वीकार कर लिया। और नीचे दिनांक उसमें हिंदी में लिखी गई, दिनांक 27 अक्टूबर 1947 और फिर अंक और हिंदी में दोनों का 27 अक्टूबर 1947। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के द्वारा भेजा गया विलय पत्र माउंटबेटन ने स्वीकार करते हुए साइन कर दिया। अब सुनिए, यहां तक जब बात हो गई तो पाकिस्तान किस आधार पे भारत से कश्मीर की मांग करता है। एक बात क्या मैं जानना चाहूंगा, मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं ये बात, क्या मतलब मुझे अधिकार है या नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे कितने रजवाड़े थे जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, क्या पाकिस्तान मुझे सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और उधर के पंजाब के राजे रजवाड़ों द्वारा लिखा गया विलय पत्र दिखा सकता है। अब सुनिए, मेरा ऑब्जेक्शन सबसे पहला पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान किस आधार पे और क्यों कश्मीर मांग रहा है, मुझे ऐतराज है। आई ऑब्जेक्ट, पहला, महाराजा हरि सिंह एक हिंदू राजा थे, डोगरा वंश, उनकी संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार कैसे, जी हाँ, संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार कैसे, ठीक है, जब महाराजा हरि सिंह एक हिंदू राजा थे। अब वो डोगरा वंश हो चाहे कोबरा वंश हो, हरि सिंह लिखा है ना, हिंदू राजा लिखा है, बात करता हूं। समझ में आ रही है,
अधिकार कैसे? क्या यह संभव है कि हिंदू राजा की संपत्ति पर मुसलमान अधिकार मांग सकते हैं? अरे भाई वो हिंदू महाराजा है हरि सिंह, वो जो महाराजा हरि सिंह है वो हिंदू है, हिंदू। समझ में आ गई? मुसलमानों का अधिकार कैसे उस पर? अभी छोड़ो वो हिंदू या कुछ है, एक मिनट, हरि सिंह क्या कह कहते हैं, मुसलमानों में नाम होता है? आप मुझे बताओ ना किस आधार पे? अब ऑब्जेक्शन नंबर दो, इसी ऑब्जेक्शन पे आईसीजे में हम पहले दिन ही केस जीत गए। मैंने सीधे तौर पे ये केस डाला आईसीजे में, सीधे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, सीधे तौर पे कि साहब महाराजा हरि सिंह एक हिंदू थे, उनकी संपत्ति पर मुसलमान कैसे अधिकार मांग रहे हैं? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं, पाकिस्तान का अधिकार क्या है? किस बेस पे जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान जो है कश्मीर पे अपना अधिकार दिखा रहा है? ये तो जोर आजमाइश है, धमकी है। ऑब्जेक्शन दो, पहले दिन ही हम केस जीत गए जी, वहां एक सेंटेंस में केस चलता है आईसीजे में, महीनों लाखों साल नहीं चलता। समझ में आ गई? एक सेंटेंस में जीत गए थे उस दिन केस। और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल्स को इतना शर्मिंदा होना पड़ा था ना, इतना शर्मिंदा होना पड़ा इनको कि इनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने सीधा पूछा आईसीजे ने, आर यू हिंदू? दे सेड नो सर, देन दिस प्रॉपर्टी इज नॉट योर्स, दिस प्रॉपर्टी इज टोटली बिलोंग्स टू हिंदू महाराज, यू कांट क्लेम दैट्स। अब वो प्रॉपर्टी भारत में हिंदुओं की हो चाहे कैसे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे क्या लेना देना? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदू है, साफ सीधी बात है, बात साफ साफ साबित होती है, क्योंकि बंटवारा ही इसी आधार पे हुआ और विलय भी इसी आधार पे हुआ। जिन्हें हिंदू राष्ट्र में रहने तो रहेगा, जिन्हें मुसलमानों के साथ जाना जाओ। ऑब्जेक्शन नंबर टू, महाराजा ने विलय पत्र की शर्त मतलब महाराजा के विलय पत्र में क्या शर्त क्या थी मैं बताता हूं कि भारत सरकार विलय के बाद भी उनकी संपत्ति मतलब विलय होने के बावजूद भारत सरकार उनकी संपत्ति को आक्रमणकारियों से मुक्त करवाएगी। मतलब जो पाकिस्तानियों या अन्य आक्रमणकारियों द्वारा कब्जे में जा चुकी है, यह दिवस इतनी शक्ति मिलेगी और तो कुछ नहीं तो। इसमें जनमत संग्रह की मांग कहां से आ गई? मैंने पढ़ा है, मैं तब बात कर रहा हूं आपसे। ऐसे में पाकिस्तान भारत और महाराजा हरि सिंह की बातचीत के बीच में किस आधार पर अड़ंगा डाल रहा है? भाई बात जो है महाराजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच में चल रही है ना, तो पाकिस्तान कौन है बीच में? कोई वाली बात है, तू कौन? तो मैं खामखा ही। महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान में विलय पत्र थोड़ी भेज रहे हैं, उन्होंने तो इंडियन आर्मी को दिया है ना। पाकिस्तान क्यों अड़ंगा डालेगा भारत में विलय होने के लिए कश्मीर का? अब चाहे कश्मीर कितनी भी दूर तक हो, जब पाकिस्तान इस बात के लिए कह रहा है कि वो एक मिनट, आक्रमण करने के बाद आपने कौन सा एरिया लिया वो बात नहीं करेंगे अभी,
मैं बताऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि आपने बात छेड़ी है महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र की, तो महाराजा हरि सिंह का विलय पत्र अगर उनके साम्राज्य का भारत में विलय है तो आपकी आर्मी जहां तक है आपको हटना होगा वहां से। बिल्कुल आपने कब्जा लिया, आपकी आपकी ब्रिगेड नंबर 4 पीओके में मौजूद रही। जी हाँ, 4 ब्रिगेड आपकी पीओके में मौजूद थी, और उसी आधार पर मैं कह रहा हूं जब आप विलय पत्र के आधार पे पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी अगर कश्मीर की मांग करते हैं तो हम विलय पत्र के आधार पर ही आपसे कहते हैं कि आप बिना देर करे पीओके से अपनी आर्मी हटाइए। बिल्कुल आपको हटानी होगी, क्योंकि विलय पत्र में सीधे तौर पर महाराजा हरि सिंह ने अपने साम्राज्य का विलय भारत सरकार को दिया है, और उसमें आधार साफ साफ कहा गया है। आप मेरी आर्गुमेंट टाल नहीं सकते सर। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप विलय पत्र के आधार पे जो है क्या कहते हैं जनमत की बात कर रहे हो, उसमें जनमत तो मेंशन ही नहीं है, और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में सीधे तौर पे कहा है कि भारत और पाकिस्तान में के मामले में जो राज्य चाहे अपनी मर्जी से भारत में शामिल हो सकते हैं। भाई साहब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं है, है तो दिखाओ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, पाकिस्तान बन नहीं सकता। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में कहा गया है इसका मतलब यह है कि आप स्टिल भारत के डोमिनेंस में हैं। अगर पाकिस्तान शब्द का वर्णन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में कहा गया है तो पाकिस्तान हमसे बाहर नहीं है, आपको हमारी सुननी होगी, और नहीं तो आप शो करो टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा गया है या आप शो करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। और जब आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो महाराजा हरि सिंह ने विलय कर लिया ना, आप कब्जे आप सैनिक ताकत का इस्तेमाल करके कश्मीर लेने की कोशिश कर रहे थे, आप हटिए वहां से, विलय हो चुका है और आपको हटना होगा। नहीं हटेंगे तो मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि विलय पत्र के अनुसार महाराजा हरि सिंह ने साफ कहा है कि अगर हम आपके साथ विलय करते हैं तो आप हमारी जमीन को आक्रांताओं से छुड़ाएंगे। इंडियन आर्मी इस बात के लिए वचनबद्ध है। और इसी वजह से यदि इंडियन आर्मी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या मेरे द्वारा बनाए गए, मैं एक भारतीय हूं, जेएसआर सिक्योरिटीज वाले अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कार्रवाई करके उसे खाली कराते हैं तो हमारे ऊपर जो है जिनेवा कन्वेंशन नहीं लगता कि सर यह विलय पत्र की शर्त थी। ऑब्जेक्शन 3, ये आप लोग शो करोगे, पाकिस्तान का जिक्र क्या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया में है या नहीं, यह पाकिस्तान को बताना होगा, अगर नहीं तो क्यों नहीं है। सर जिन्ना साहब को अगर पाकिस्तान बनाना था, मान ली बात, तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट क्यों नहीं लिया आपने, ले लेता ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो ऐच्छिक है, वो हमारे ऊपर हम बनाने देना दे आपको। बिल्कुल है आपके पास, हमारे पास है सर, एक्ट है सर, एक्ट एक्ट है सर, एक्ट एक्ट समझते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, समझे, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया है सर हमारे पास, को बताना होगा, वरना भारत के ऊपर बार बार
आप किस स्वरूप में क्यों हमला कर रहे हैं, इसका अर्जाना भरोगे आप। अब सुनिए, ऑब्जेक्शन नंबर 4, भारत स्वाधीनता अधिनियम में साफ बताया गया है कि रियासतें अपनी मर्जी से अपने विलय की घोषणा कर सकते हैं, इसके लिए भारत किसी भी राजवंश पर दबाव नहीं बनाएगा। ठीक है जी, हमने तो नहीं बनाया, पर आपने महाराजा हरि सिंह के साम्राज्य पे हमला करके आपने दबाव बनाने की कोशिश करी है। बिल्कुल, और वो वायरलेस रिकॉर्डिंग, वो पत्र जो महाराजा हरि सिंह ने इंडियन आर्मी से मदद मांगी थी, उसका जवाब आपको देना होगा सर। आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन नंबर 5, ये शेख अब्दुल्ला जी के लिए मैं क्लियर करूंगा सर। शेख अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे, ऐसे उनकी कश्मीर में राजशाही का ऐलान, ऐसे में उनके कश्मीर में अपनी राजशाही का ऐलान शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और राजवंश के खिलाफ बगावत क्यों नहीं है भैया? जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, सुनते रहना, सुनते रहना ध्यान से। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, शेख अब्दुल्ला कौन है, कौन है, कौन है? मुसलमान है। अब तो मुसलमान है तो भैया जा करके अपने उस क्षेत्र में रहना, अलग से अधिकार नहीं मिलने वाला कश्मीर में और भारत के अंदर किसी भी मुसलमान को, अपने अधिकारों को, अधिकारों की बात करना, चाहे वह संविधान की किसी भी धारा का हवाला लेकर के हो, आपको भारत में विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। अगर आप माइनॉरिटीज भी हैं तो आप जा सकते हैं, माइनॉरिटीज का भारत में कोई मतलब नहीं है, माइनॉरिटीज मतलब मुसलमान है, तो आपको जाना होगा यहां से। खुद पेंटागन से हमारी जब बात हुई कि उन्होंने कहा कि अगर भारत के अंदर ईसाई आपको परेशान कर रहे हैं तो हम उनको बुला लेंगे, वेटिकन तक ने यह बात कही है। धर्म आधारित क्षेत्र के पक्ष में विश्व के कई बड़े नेता रहे हैं, तो किस आधार पर शेख अब्दुल्ला भारत में कश्मीर में रह करके अपनी राजशाही की मांग करता है? खुद मेरे को जब मैं बात कर रहा था तो पाकिस्तान के एक रिपोर्टर ने एक शब्द मेरे को बोला, इस जब मैं पढ़ रहा था, डिवाइस लगे हुए थे, न्यूज भी सुन रहा था, हॉटलाइन पर बात सुनते रहता, तो उन्होंने मेरे को धीरज कहा कि शेख अब्दुल्ला की एहसान फरोज फरामोशी है। एहसान किस बात का सर? शेख अब्दुल्ला जो है वो महाराजा हरि सिंह का प्रधानमंत्री था, महाराजा हरि सिंह का रिश्तेदार नहीं था, he was employed to महाराजा हरि सिंह। और जब पाकिस्तान आपने जिन्ना ने जो है पाकिस्तान मांग लिया, तो भारत में रहने वाला शेख अब्दुल्ला जो है किस अधिकार से कश्मीर में अपने अधिकारों की मांग करता है? कश्मीर में रहने की मांग करने वाला कोई भी मुसलमान यदि जमीनी हकीकत को आधार मानते हुए अपना हक मानता है तो आपको पाकिस्तान जाना होगा, क्योंकि भारत से एक हिस्सा जो अलग किया गया वो धर्म के आधार पर किया गया मुसलमानों द्वारा, और उसके बाद पाकिस्तान में बैठ करके तरह तरह की गलबजियां करने वाले लोग बहस करके दिखाओ ना, हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपके पास ठोस आधार नहीं है। आप लोग धोखेबाज हो, गद्दार हो आप लोग, एहसान फरामोश हो आप लोग, समझ में आई? गंदी नस्ल है आपकी, बिल्कुल कहूंगा मैं। महाराजा हरि सिंह के साम्राज्य में शेख अब्दुल्ला बैठ के गद्दारी करता है, जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है। यही काम किसने किया जानते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने, भारत के अंदर रह के असदुद्दीन ओवैसी। आप कहते हैं आपको हैदराबाद के अंदर जो है आप निजाम का हक मानते हैं, कैसे मांगोगे? पाकिस्तान लिया गया है सर,
मुसलमानों ने नहीं देखा जामा मस्जिद। विश्व के अंदर पहली बार ऐसा हुआ, जी हाँ, कि जब धर्म के आधार पर किसी देश के एक हिस्से को अलग किया गया कि इस धर्म के लोग आपके आपके साथ नहीं रह सकते, हम अलग एरिया दे दीजिए, तो जामा मस्जिद हो, चाहे आपका कानपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे नूह हो, चाहे कश्मीर हो, मुसलमानों को भारत खाली करना होगा। और नहीं तो जो एरिया पाकिस्तान धर्म के आधार पर आपने लिया है उसके साथ हमें क्या करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। आपसे बड़ी ताकतवर आर्मी है हमारे पास, चाहे भारत के अंदर कोई भी संगठन हो, PFI हो, हरकतुल अंसार हो, ISIS हो, MIM हो, इस्लाम के नाम पे और मुसलमानों के नाम पे एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती इस देश के अंदर। भाई साहब हमने कॉपी पीटी, आज मैं लिखने नहीं दूंगा मुसलमानों को एक शब्द भी, इस कॉपी पे मेरा अधिकार है। आपने धर्म के आधार पे एक देश मांगा, आप ISIS बनाओ, MIM बनाओ, चाहे आप मजलिस बनाओ, चाहे आप जाकर के वहां पे हरकतुल अंसार बनाओ, चाहे जामा मस्जिद बनाओ, नया ताजमहल बनाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हलाला करो, चाहे निकाह करो, चाहे आप कुछ भी करो, आप जाइए सीधा उठ करके और सीधे तौर पे पाकिस्तान जाइए, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें जो करना होगा हम करके दिखा देंगे। भारत के अंदर बुरके पहन करके बुरके का अधिकार मानने मांगने वालों को यहां कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर भारतीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा, आपको जाना होगा भारत छोड़ करके। नहीं जाने देंगे आपको बुरके में। आप बुरके के अंदर बम पहन के आती हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कराची में क्या किया आपने नहीं देखा? कश्मीर चीन के इंजीनियर मारे गए, एक बुर्का पहनी हुई औरत ने जो है अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। क्या इस सच्चाई से मुंह मोड़ लोगे आप लोग मुसलमानों? आप जो मर्जी कीजिए वहां पे। आप लोगों को तो शेख अब्दुल्ला एक ऐसी सीख है भारत के लिए कि मुसलमानों को नौकरी पे नहीं रखना चाहिए। महाराजा हरि सिंह के साथ गद्दारी करने वाला शेख अब्दुल्ला, कलंक है अब्दुल्लाओं के नाम पे। महाराजा हरि सिंह का नौकर था वो, इसलिए कहा मैंने गंदी नस्ल है तेरी शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और ओमर अब्दुल्ला, तुम्हारी नस्ल गंदी है। तुमने अचानक महाराजा हरि सिंह के महल पे हमला करने की कोशिश करी रात को, इसलिए उनके लोगों ने पकड़ के शेख अब्दुल्ला को जेल में बंद कर दिया था। बाद में माफी मांगने के बाद वो छूटा है और आज शेख अब्दुल्ला जो है वहां पे बैठ करके के काजू किशमिश बादाम खाने की बात करता है। वजीफा चाहिए तुझे? पूरे विश्व में शेख अब्दुल्ला अब्दुल्लाओं के नाम के ऊपर कलंक है, अब्दुल्लाओं की नस्ल गंदी है। सऊदी अरब क्या बात करेगा मुझसे? क्या बात करेगा सऊदी अरब का अब्दुल्ला? महाराजा हरि सिंह का नौकर था शेख अब्दुल्ला। क्या है सऊदी अरब की औकात हमारे आगे? जो कहा वो करो। बन के मेरे आगे सऊदी, कहा था इनकी, मैं दिखाता हूं ना तुम्हें। महाराजा हरि सिंह के दरबार में नौकर था शेख अब्दुल्ला, बस से ज्यादा कुछ नहीं। कश्मीर नहीं मिलेगा।
चाहे जितना मर्जी हथकंडे अपना लो। मैंने सीधे तौर पे कहा इसी जे में G20 नहीं हो सकती, अगर करी तो हमारी जिम्मेवारी। क्या बात समझ में आई? अब तू सुनो शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला, गेट आउट, वहीं जाओ उनके पास जितने तेरे अब्दुल्ला हैं। मैंने इशारा किया और समझा दिया, दोबारा नहीं समझाऊंगा। चलो अब तू भी सुने ओवैसी, निकल यहां से। जो जितना बड़ा मुसलमान बनने की कोशिश करेगा उसी की गांठ पे लट पड़ेंगे। सीधा सीधा नियम है, कान खोल के सुन। भारत में हिंदुओं को जिसने दबाया वही पिटा। ज्ञान व्यापी नहीं उधर चलो चलो। और जिस पुलिस वाले ने गलती करी उसे ही एडग्राफ के दर्शन है। एक नहीं सुनेंगे मुसलमानों की। हाँ, रह रहा है खा पी मस्त रहा, कोई मतलब नहीं। अगर लव जिहाद करता पाया गया, हिंदुओं की लड़कियां फंसाने की कोशिश करी, कोई गलती करी, समझ में आई, कोई पिटा। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले चल। भारत पे हिंदुओं का अधिकार था, है और रहेगा। ये सनातन धर्म का देश है और हम अपना हिसाब किताब बहुत अच्छे से पहचानते हैं। दोबारा अगर बिलावल तूने कोई गलती करी ना कश्मीर के मामले में, तो वहीं आके मारेंगे तुझे, समझा? या तो सुन ले और समझ ले, ठीक है? बिलावल भुट्टो, लड़कों गाड़ियों के टैंक फुल कर लो जरा, इसको हीरो बनाते हैं। बिलावल भुट्टो अब तेरा नंबर है। कोई गलती करी ना तूने और जरा सा भी मुंह से तूने कश्मीर का नाम लिया, वहीं पिटा दू बस। और जो जो आ रहा है ना G20 में, तुम्हें तुम्हारे देश में ही आके मारेंगे। और चूचू टीम, ओए आज तुम्हारा टारगेट है मुरमे, समझे? और ये जितने प्रधानमंत्री का इलेक्शन करा रहे हैं तबीयत से मार सकते, हमें कोई लेना देना नहीं। तुम गोली चलाओ बंदूक चलाओ कोई मतलब नहीं है, समझ में आई? खींच खींच के मार करियो जरा प्रेसिडेंट इलेक्शन, एक नहीं बचना चाहिए। कहाँ फार्म जमा करा रहे? फार्म किसने लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच। कौन है तू? मुसलमान है तू? मुसलमान भारत कानून लिखोए, सुप्रीम कोर्ट है बोल, कानून है भारत के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पोस्ट पे मुसलमान नहीं बैठ सकता, ईसाई नहीं बैठ सकता, सिर्फ हिंदू। नो कन्वर्जन और नो कन्वर्टेड, और मिला तो जिंदा चला देंगे। अजीत डोभाल जी, ये आपकी जिम्मेवारी है, सेंट्रल कमांड में लाया गया आपको, कोई गलती नहीं चाहिए, वरना चूचू टीम मारती बहुत है सर। चलो एक एक को निकाल कर मारते हैं, निकल लो, उनकी माँ की चूतिया ऐसे नहीं सुनोगे।